केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। यूजर्स के साथ ही कई पॉलिटिकल लीडर्स खासकर कांग्रेस पार्टी जय शाह को लेकर बयानबाजी कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जय शाह जो कि बीसीसीआई के सचिव भी हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कल भारत ने एशिया कप में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर पिछली हार का बदला ले लिया है और इसी का जश्न कल रात लोग मना रहे थे। टीम इंडिया की जीत के समय स्टेडियम में मौजूद जय शाह खड़े होकर ताली बजा रहे थे, लेकिन जब उन्हें तिरंगा देकर जीत का जश्न मनाने की कोशिश उनके एक सहयोगी ने की तो जय शाह ने तिरंगा लेने से साफ मना कर दिया। देखिए आप भी इस छोटे से वीडियो को जिसमें जय शाह तिरंगा लेने से मना करते हुए नजर आ रहे हैं। जय शाह का यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जय शाह पर तंज कसते हुए लिखा कि मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि तिरंगे से दूरी की इनकी आदत पीढ़ियों पुरानी है, जाएगी कैसे। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता नाना पटोले ने भी इसके लिए जय शाह पर निशाना साधा है। सियासी बयानबाजी के साथ ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जय शाह की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की है। एक ने लिखा है कि अगर यही हरकत किसी विपक्षी नेता ने की होती तो अब तक देशद्रोही साबित हो गया होता। इन सब के बावजूद कईयों ने तो जय शाह का बचाव भी किया है। आपका इसे लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।